हरियाणा के बावल नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमाने प्रदीप शर्मा ने अपना नामांकन किया। बता दें कि शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनेलो का समर्थन भी इनके साथ होने से जीत की राह आसान हो गई है। युवा प्रत्याशी के रूप में उन्होंने युवाओं की बेरोजगारी इस समस्या को समझते हुए दूर करने का बीड़ा उठाया है। वहीं उन्होंने बावल के विकास की प्राथमिकता को भी साथ साथ रखा है। उन्होंने जनता से बावल में विकास के साथ साथ बावल की खुशहाली की बात करते हुए जात पात धर्म समुदाय से ऊपर उठकर सिर्फ बावल के विकास के लिए जनता से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की है। आज के सर, सबसे पहले तो मैं बावल की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि बावल की जनता ने मुझे एक बार चुनाव लड़ने का मौका और अवसर प्रदान किया है। ये मेरी लाइफ का पहला चुनाव है और जो मेरे मुद्दे हैं वो बिल्कुल आम तौर पर जो सभी के मुद्दे होते हैं वही मेरे मुद्दे हैं। आज बावल की जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर बावल की जनता मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं बावल की जनता का जीवन खुशहाल बनाऊँगा तथा उनके साथ हर सिचुएशन में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगा। आप एक युवा प्रत्याशी हैं और युवाओं में बेरोजगारी एक विशेष मुद्दा रहा है, तो इसके लेके दिमाग में कोई योजना है? बेरोजगारी जो है वो सरकार ने इतनी ज़्यादा मतलब कि उनका भ्रष्टपना जो है बोल रहे जो भी बेरोजगार भाई यहाँ पे हमारे बावल क्षेत्र में हैं, मैं उन सभी को सरकारी निजी कंपनियों में बात कर उनको बेरोजगार से भत्ता मुक्त करवाऊँगा और उनको यहाँ पे रोजगार दिलवाने का भी काम करूँगा।